नमस्कार, इनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2024 और 25 के लिए राज्य के कुल व्यय से 6,522 करोड़ रुपए का प्रावधान वाला अंतरिम बजट पेश किया। बजट में 4,98,758 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह कर और 5,08,492 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय दिखाया गया। राजस्व घाटा 9,734 करोड़ और राजकोषीय घाटा 99,288 करोड़ रहने का अनुमान दिया गया। बजट पे 4 माह का बजट आवंटन अनुमोदन हेतु रखा गया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को लेक लाड़की योजना के संबंध में एक बड़ी घोषणा की है। अजित पवार ने विधानमंडल में बताया कि लाभार्थियों बालिका को 18 वर्ष के आयु से 1,01,000 रुपए चरणबद्ध तरीके से मिलेंगे। लेक लाड़की योजना के अनुसार बेटी के जन्म से लेकर वयस्क होने तक आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के अनुसार राज्य में बालिकाओं को जन्म पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे और 18 वर्ष में 75,000 रुपए नगद दिए जाएंगे। इस प्रकार महाराष्ट्र सरकार की लेक लाड़की योजना के तहत बेटियों को राज्य सरकार की ओर से कुल 1,01,000 का लाभ मिलेगा।